बताई जाने वाली बातें सुपरफिशियल है। जब वो मैच्योर होता है तो फिर उसको पता चलता है कि हकीकी जिंदगी कुछ और है, जो कुछ के देखा ख्वाब था, जो कुछ सुना अफसाना। तो मैं 15-20 साल से अपनी तालिबे इल्मी के जमाने से मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं वो चीजें पढ़ूं जो गैर रिवायत है, जिसमें वो बातें हों जो आम शायर न कहते हों, रूटीन से हटके हों। एक दफा एक अजीब शायर का नाम वसतुल्ला खान ने, यास्मीन साहिबा ने, या डॉक्टर उज़्मा साहिबा, उज़्मा फरहान फरमान साहिबा, हमारे बहुत बड़े लेजेंड डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब की साहबजादी हैं, आराई साहब, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने उस शायर का नाम सुना होगा, मैंने नहीं सुना। सिंधी में जब दो दोस्त बैठे हों हम ख्याल और बेतकल्लुफ, जो बातकल्लुफ होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया, तो वो कहते हैं हमारी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाओगे, वगैरह वगैरह। जो बहुत इंटीमेट और करीबी दोस्त होते हैं उनको जब बताएं आपके गाड़ी हाईवे पे जाते हुए पंक्चर हो गई और मैं खड़ा हुआ हूँ, तो बहुत फ्री होते हैं, तो वो कहते हैं जल दब। तो यानी भुगतो। तो एक शायर मैंने पढ़ा, असलम कोलसरी, आपने पढ़ा होगा,